जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना की गश्ती दल पर आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले 5 जवान उत्तराखंड के थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। बहुत दुखद है और पूरे उत्तराखंड के लिए, देश के लिए और विशेषकर उनके परिवार के लोगों के लिए जिन्होंने अपने आत्मीय जन खोए हैं। किसी ने बेटा खोया है, किसी ने पति खोया है, किसी ने भाई खोया है और हम सब ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। हमारे लिए बहुत दुखद है और जो एक कायराना हरकत हुई है, इस कायराना हरकत का पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा। इनको नेस्तनाबूद किया जाएगा और इनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। ऐसे समय में हम परिवार के साथ हैं। हमला सोमवार को हुआ था। आतंकवादियों ने कठुआ के बदनोटा इलाके में गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया। शहीद सैनिकों के शव बिलावर के उपजिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए हवाई रास्ते से लाए गए। बाद में उन्हें अंतिम संस्कार के लिए सेना को सौंप दिया गया। घायल जवानों को सोमवार रात पठानकोट में सेना के अस्पताल में ले जाया गया। उनको हमने रात को ही 5-6 बंदों को हमने पठानकोट हॉस्पिटल में, इन्होंने आर्मी वालों ने शिफ्ट कर लिया था। इनको जो भी इनको उपचार था, बेसिक उपचार, यहाँ पे इनको मिशेडी लाया गया था, सॉरी बिलावर लाया गया था। तो यहाँ पे उनका उपचार करके, तो जो भी इधर बेस्ट पॉसिबल था, उनको ट्रीटमेंट देके फिर इनको वहाँ पे आर्मी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था। तो जो 4 हमारे शहीद हुए थे उनको भी जो मुनासिब कार्रवाई होती है उसके बाद उनको यहाँ से सुबह उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से डिस्पैच कर दिया गया। हमला करने वाले आतंकियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए हेलीकॉप्टरों, ड्रोन, डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है।